दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। फीचर्स होते हैं जीएसटी में, और ये फीचर जो आपको बताने वाला हूँ ये ज़बरदस्त फीचर्स है। सारे के सारे फीचर्स आपको इसी वीडियो में पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। ज़बरदस्त आपको तरीके समझ आने वाला है। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा पहले फीचर से। सबसे पहला हमारा फीचर होता है, इट इज़ अ फेडरल टैक्स। फेडरल टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जिसका सेंटर और स्टेट को दोनों को सेम शेयर मिलता है, आधा आधा शेयर मिलता है। पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती थी अपनी, स्टेट अलग लगाती थी, बट ये एक ऐसा टैक्स है जिसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट एक सेंटर और स्टेट को दोनों को आधा आधा टैक्स मिलता है। जाता पहले स्टेट सेंट्रल पे है, आधा हिस्सा अपने पास रखती है, आधा स्टेट को बांट देती है। अभी बताओगे कि कौन से स्टेट को बांट देती है। सेकंड है, इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, देखो अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले आप उसकी वीडियो जरूर देखो, पहली वीडियो, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये सारे पॉइंट टिप्स में आपको समझ में आ जाएगी कि होते क्या, इसीलिए मैंने वो पहली वीडियो बनाई थी जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए जीएसटी सिस्टम क्या है, कैसे लगता है वो। अगर आप वो देखोगे वीडियो तब जाके आपको ये सारे फीचर समझ में आएंगे, वरना ये फीचर हो सकता है कि आपको ऊपर से निकल जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले वो डिस्क्रिप्शन लिंक जाके आप पहले वो वीडियो देखो, तो इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये क्योंकि ये लगता किस पे है, सप्लायर पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स का फायदा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें आप बेचते हो सामान तो आपके ऊपर टैक्स लगता है, बट आप खुद पे नहीं करते हो, आप सामने वाले बायर से टैक्स लेके पे कर देते हो सरकार को, डैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये आपको बहुत बड़े पॉइंट है कि जो मेरे को बता रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को आधा हिस्सा मिलता है, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट मिलेगा, यहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसे कि राहुल ने यूपी का बंदा है, उसने शाम महाराष्ट्र का बंदा था, उसको माल बेचा, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जैसे कि आपको पता है राहुल यूपी का बंदा है, राहुल माल बेच रहा था, तो इसको टैक्स देना पड़ेगा, जो बेच रहा था उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो सरकार को जमा उसको कराना पड़ेगा। बट सवाल मेरा ये है कि आधा हिस्सा सेंटर को तो मिल जाएगा, लेकिन आधा जो स्टेट गवर्नमेंट है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट मिलेगा, यूपी को मिलेगा या महाराष्ट्र वाले को मिलेगा? तो इसका आंसर है कि भाई जहाँ पर गुड्स एक्चुअल में फाइनल कंज्यूम होने वाला है, उस स्टेट गवर्नमेंट को आधा हिस्सा मिलेगा। जो गुड्स का डेस्टिनेशन था, जहाँ पर वो पहुँचाने जाने वाला था और जहाँ पर फाइनली कंज्यूम होगा वो, जहाँ पर गुड्स उसको यूज़ करने वाले उसको कंज्यूमर, वो वाला स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, ना कि भेजने वाली स्टेट। हमेशा जीएसटी कहाँ लगता है, जो कंजम्पशन स्टेज होती है। कंजम्पशन स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में माल जाएगा, वहीं पे लोग यूज़ करेंगे, तो जहाँ पर यूज़ करते हैं वहीं पे जीएसटी ले जाता है, ठीक है, वहीं पे जीएसटी सरकार को मिलता है। तो इसलिए इस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा जहाँ पर माल यूज़ होने वाला है, तो इसलिए बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन जहाँ पर होती है उस डेस्टिनेशन बेस्ड पे ही टैक्स लगता है, ठीक है। सिंगल टैक्स इन प्लेस ऑफ सेवरल इनडायरेक्ट टैक्स। कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे पहले, इसके पहले बहुत सारे थे, एक्साइज ड्यूटी था, सेल्स टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, बड़े सारे टैक्सेस थे, तो वो सारे टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक टैक्स आ गया। कॉम्पोजिट स्कीम होती है जीएसटी के अंदर, जिसमें क्या होता है कि अगर आपकी स्मॉल स्केल बिजनेस है और आप नहीं लेना चाहते हो रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल टैक्स पेयर जो होते हैं जीएसटी में उसमें नहीं लेना चाहते हो, तो आप कॉम्पोजिट स्कीम में आ सकते हो, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ टर्नओवर जितनी आप सालाना कर रहे हो उसका 1-2% ही सिर्फ आपको जीएसटी दे देना है। आपको कोई झंझट नहीं है रिटर्न फाइल करने की, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ क्या होगी इसके अंदर, ITC आपको नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप पीछे दे देते हो सप्लायर को, आप कोई माल खरीद रहे हो, अपना इनपुट खरीद रहे हो, आपको टैक्स दे दिया है, वो वापसी नहीं मिलेगा, बट जीएसटी में वो वापसी मिलता है। क्योंकि अगर आप एक माल बेचने वाले हो, आपने पीछे कोई माल खरीदा अपना बनाने के लिए, तो वो टैक्स आपने उसको भी दिया, तो उसको वापसी मिल जाता है, बिकॉज जीएसटी लगता है फाइनल कंज्यूमर पे लगता है, कभी भी बीच में जो सप्लाई चेन में आते हैं बंदे उसको नहीं लगता। तो ये प्रॉब्लम है कॉम्पोजिट स्कीम की। फ़ायदा है स्मॉल स्केल के लिए, बट ITC नहीं मिलेगा और ना ही वो बायर से टैक्स पे चार्ज कर पाएगा कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर। मल्टी पॉइंट टैक्स होता है, इसमें आपको देखनी पड़ेगी पुरानी पहली वीडियोस की। होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है,
वो सामान बेचता है होलसेलर को, फिर रिटेलर को बेचता है होल, ठीक है, उसके बाद फाइनली कंज्यूमर पे जाता है। तो जीएसटी फाइनल कंज्यूमर पे करता है, बट कंज्यूमर से सरकार लेती नहीं है जीएसटी, लेगी किन से, इन से, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, और कितना लेगी, जितना वो वैल्यू ऐड करते जा रही है, जितनी वो वैल्यू एडिशन कर रही है अपने गुड्स के प्राइस के अंदर, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ जोड़ के जो भी, तो उनसे लिया जाता है जितनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो इनको उन्होंने जो अगर पीछे जीएसटी दिया है वो वापसी मिल जाता है इनको, इसलिए हम कहते हैं आईटीसी, कि इसने होलसेलर जो पीछे जीएसटी दिया वो वापसी मिल जाएगा, इसने पीछे जीएसटी दिया वो वापसी मिल जाएगा। क्यों वापसी मिल जाएगा? क्योंकि फाइनली कंज्यूमर पे लगता है जीएसटी, कोई भी बीच में ये बियर नहीं कर सकता, अपनी जेब से कोई नहीं देगा, फाइनली जो जेब से जाएगा वो कंज्यूमर के जाएगा। लेकिन सरकार जो जीएसटी है वो मल्टी पॉइंट पे लेती है, एक साथ रिटेलर से नहीं लेगी, जो जो जितनी वैल्यू ऐड करता जा रहा है उतना आपका जीएसटी सरकार लेती रहेगी, ठीक है। मल्टी पॉइंट टैक्स है। डिसेंट्रलाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है भाई, इसमें क्या हो गया है? तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका सीजीएसटी और आईजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं एडमिनिस्ट्रेशन करती, जो लगाती है लीवी एंड जो हम कह सकते हैं कि चार्ज, लीवी एंड उसकी मैनेजमेंट करना वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा। आईजीएसटी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है उसके बाद वो बढ़ता है, ऐसे ही जो, लेकिन एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी जो है उनकी अथॉरिटीज़ वो मैनेज करेगी उसका। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स संभालेगी सेंट्रल वाला, स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट वाला संभालेगी, वो जैसे वो लगाएगी। एक्सपोर्ट टू बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई, भाई इसके अंदर पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट जीएसटी में ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है, तो एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई है। इट इज़ लीव्ड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, बट इसमें एक एग्जम्पशन है, सभी पे नहीं लगता, कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जम्पशन हैं जिस पे नहीं लगता जीएसटी अभी भी, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल, जो कि जीएसटी लगाना था उस पे नहीं लगा अभी तक, पेट्रोल, ठीक है, और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता, और ऐसे कई सारे अलग अलग गुड्स और सर्विसेज मेंशन है जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, एक्सेम्पशन को छोड़ के बाकी सब पे लगता है। इट इज़ लिव्ड ऑन वैल्यू एडिशन, जैसे मैं बताया कि वैल्यू जितनी लोग ऐड कर रहे हैं, कि सपोज़ करो इसने 1000 का गुड्स बनाया तो 1000 की वैल्यू ऐड कर दी तो इसको जीएसटी देना पड़ेगा, पहले गुड्स की वैल्यू कुछ नहीं थी, इसने 1000 में 200 रुपये अपनी ऐड कर दी मार्जिन जोड़ के, तो 1200 की कर दी, तो इसे 200 का ही टैक्स देना है सिर्फ, पूरा नहीं देना। इसने आगे बेचा तो इसने अब गुड्स की वैल्यू 1400 कर दी, 200 रुपये अपना और मार्जिन जोड़ दे तो 200 रुपये टैक्स देगा सर अभी। तो जितना मार्जिन जोड़ रहे हैं अपने उतने पे टैक्स देना पड़ता है इनको। ड्यूअल जीएसटी मॉडल है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल में क्या होता है कि दो जीएसटी मॉडल है, जैसे कि आपको पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट वाले दो जीएसटी मॉडल हो चुके हैं, सेंट्रल जीएसटी अलग, स्टेट वाले जीएसटी अलग, उन दोनों को वो ड्यूअल जीएसटी हो गया कि सेंट्रल वाला सेंटर पे जाएगा, स्टेट वाला स्टेट पे जाएगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी शुड बी सेपरेटली शोड इन इनवॉइस, इनवॉइस पे आपको जीएसटी शो करना पड़ता है तभी वो टैक्स इनवॉइस माना जाता है, तभी आप उसमें रिटर्न तो अभी तो फाइल कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम है, आप खुद जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो आराम से, जीएसटी पोर्टल में जाके कुछ भी नहीं करना होता। तो इसलिए सेल्फ असेसमेंट हो गया है कि खुद ही आप अपनी इनकम कैलकुलेट करो, खुद ही टैक्स जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें झंझट खत्म हो चुकी है। प्रोविजन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें मिल जाता है, क्योंकि जहाँ पर वैल्यू एडिशन होता है वहाँ पर आपको ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, कि जो आपने इनपुट पे टैक्स दिया है वो वापसी मिल जाएगा, ठीक है, इनपुट पे टैक्स वापसी मिल जाएगा, तो आपका एक रुपया नहीं लगा। इम्पोर्ट टू बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो कस्टम ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी अभी भी है बट उसमें बहुत सारी अटकी है। कस्टम ड्यूटी पे क्या होता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी जब पहले जीएसटी नहीं था, अब क्या हो गया है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है, उसमें काफ़ी एक दो हटा दी गई है, लेकिन अभी एक लगती है, एक मेन लगती है जो बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो लगती रहती है कि अगर आपने बाहर से कुछ माल इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी लगती है। लेकिन अब साथ में जो पहले बहुत सारे और टैक्स लगते थे यहाँ पर गुड्स आने के बाद, अब वो हट गया, तो अब एक ही टैक्स लगी गवर्नमेंट, वो है इंटर स्टेट सप्लाई पे, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, इंपोर्ट को
इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी कि आपने एक स्टेट से बाहर से माल मंगाया, तो आपके ऊपर जो इंडिया वाला बंदा है, जैसे कि इसने बाहर से माल मंगाया ना, ठीक है, इस बंदे ने बाहर से माल मंगाया यूएसए से, मानता हो कि ये बेचने वाला है, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट के केस में इस पे ही टैक्स लगेगा क्योंकि इसने इंपोर्ट कराया, भले ही ये परचेजर है, ठीक है, इंपोर्ट कौन है, परचेजर एक तरीके से, लेकिन इस पे टैक्स लगेगी गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया का रहने वाला यही बंदा है, बाहर पे उस पे टैक्स लगा सकती, तो इस पे टैक्स लगेगा और इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी, और इंटर स्टेट सप्लाई को पता है IGST लगता है, तो इंपोर्ट में IGST लगेगा और साथ में एक बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो भी लगती है, तो इंपोर्ट को आपको ध्यान समझना है, IGST लगता है इस पे। एक्सेप्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू पर्सन डूइंग स्मॉल स्केल, कि रजिस्ट्रेशन सबको लेने की जरूरत नहीं है GST के अंदर, जो छोटे स्केल में बिजनेस कर रहे हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है, टर्नओवर के हिसाब से कि बड़ी सारी लिमिट्स है, 40 लाख से ऊपर है या 20 लाख है कुछ सर्टेन स्टेट के लिए, या 10 लाख है, ये तीन अलग अलग है रजिस्ट्रेशन, इनमें अगर आप फॉल नहीं कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है GST की, तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स थे, आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे, अगर आपको अच्छे से कुछ समझ नहीं आया पॉइंट तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप वो वीडियो देखो जो इसकी पहला पार्ट है, तब आपको ना समझ में आए तो मुझे बताना, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, सारे फीचर्स हैं ये और वो सारे फीचर उसी से लिंक्ड है उस वीडियो से, तो चलिए, और आगे अगर आपको इसको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और वीडियोस बनाऊंगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, अगर आपको फ़ायदेमंद लग रही है सच में तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो लोगों के साथ जिनको नहीं समझ में आता अच्छे से, और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से और टॉपिक्स का वीडियो चाहते हो, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू।